नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केपी। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के नगर निगम कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहां जमीन पर बैठा हुआ है। लगातार पिछले आधे घंटे से यहां प्रदर्शन चल रहा है, बुलाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रदर्शनकारी है वो कह रहे हैं झमाडा MD बाहर आओ। हालांकि हमने इस वक्त हमारे कैमरे ने भी कैप्चर किया है, आप देख सकते हैं ये जो मेन गेट है, जो यहाँ पर नगर निगम का मेन गेट है, उसे लॉक किया गया है। अंदर बाहर अभी कोई नहीं जा पा रहा है। अब प्रदर्शनकारी इस बात पर तुल चुके हैं कि अगर कोई अंदर नहीं जा सकता तो वो किसी को बाहर भी नहीं आने देंगे। लगातार शोर शराबा चल रहा है। आइए जानते हैं प्रदर्शनकारियों की क्या मांगे हैं। मैम पहले आप बोलिए सर, क्या मामला क्या है? हम लोग अनुकंपा का मामला है। एक साल से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग को नियुक्ति नहीं मिला। तो कितना साल लगता है नियुक्ति करवाने में? अच्छा, ये आप लोग बोल रहे थे समझौता लागू करो। हम लोगों का जो है कि 2017 में समझौता हुआ था जी, कि 2018 जनवरी से आप लोगों को हम जो कि बहाल करेंगे। हाँ। तो वो समझौता सिर्फ समझौता करके रखा हुआ रह गया, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिला। तो झमाड़ा MD से इससे पहले बात हुई थी? MD सर मिलना नहीं चाहते हैं, सीधा बात है। एक भी बार नहीं बोला, कभी नहीं मिलते हैं। MD जो है कि वो माडा के हैं, लेकिन माडा में वो कभी आज तक बैठ भी नहीं किए। अच्छा। कभी नहीं, ना हम लोग से मिलना चाहते हैं, ना हम लोग का बात सुनना चाहते हैं, कुछ मतलब नहीं उनको। मतलब हम लोग तो कर्मचारी का ही बाल बच्चा है ना, बाहर से टूट के नया बहाली के लिए तो नहीं आए। हम लोग का हक मार के आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी वो रख रहे तो गलत है ना। हम लोग का तो सबसे पहला हक बनता है कि हम लोग अनुकंपा वाला को नियुक्ति मिलना चाहिए। अनुकंपा वाला से पूरा एडजस्ट हो जाता है। कोई अनुकंपा नहीं बचेगा तब आउटसोर्सिंग से आप कर्मचारी रखिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहले ही पूरा आउटसोर्सिंग भर दीजिएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? चलिए, तो आप तो चिल्ला रहे हैं नगर आयुक्त अभी तो नहीं आए हो, MD नहीं आए हैं, बाहर नहीं आए हैं, तो आएंगे कहाँ जाएंगे? आएंगे बिल्कुल। आप सुन रहे हैं MD जो है झमाड़ा MD, वो आएंगे ऐसा लोगों का विश्वास है। लोग आज धरने पर बैठ चुके हैं, उनका कहना है वो नहीं उठने वाले हैं तब तक जब तक कि साहब बाहर नहीं आएंगे। सर आपसे जानना चाहूंगी मामला क्या है पूरा? मामला मैडम अनुकंपा आश्रित है। अनुकंपा आश्रित है, आज से 351 दिन हो गया धरना में। हाँ। MD साहब बोले थे कि 120 दिन का मैं समय दीजिए। अच्छा। 120 दिन में आप लोग कम से आपका अनुकंपा नौकरी दिया जाएगा। हाँ। मेरा 351 दिन हो गया, आज तक MD हम लोग से मिला नहीं है। एक भी बार नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं। जब मामला शुरू हुआ था 351 दिन पहले तब मिले थे MD? नहीं, हम लोग बोला कि पंकज झा से बुलवाया था कि 120 दिन में आप लोग का प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अच्छा, सामने से बात नहीं हुई? नहीं, सामने से बात वो नहीं भी हुई। किसी के थ्रू करवाया? किसी के थ्रू करवाया था, SDO साहब से। उसके बाद बीच में आप लोग मिलने का कोशिश की? बहुत बार मैडम मिलने का, हमने लिख के भी दिया है, मगर नहीं, गेट से भगा दिए, गेट से भगा दिए, गेट से भगा दिए। चलिए, आप सुन रहे हैं आरोप चल रहा है, आरोपों का दौर है। झमाड़ा MD से लगातार मिलने की कोशिश की जा रही है, परंतु वो निकलते नहीं है, इनकी ये कंप्लेन है। हालांकि आपको बता दूं, इस मामले को पहले भी हमने कवर किया है। आप देख सकते हैं लगातार ये जो कैंपस है जहां झमाड़ा का बिल्डिंग है उसके बाहर लगातार 351 दिन से ये लोग धरना दे रहे हैं। ये झमाड़ा में अनुकंपा के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, और इनकी मांग है कि इन्हें नौकरी दी जाए। ये आउटसोर्सिंग वाला एंगल जो है सर, वो क्या है? आउटसोर्सिंग वाला मैडम कि जैसे कि अभी कोई रिटायर हो रहा है। हाँ। उसको भी MD साहब रख ले रहे हैं। अच्छा। नौकरी में। हाँ। और अभी प्राइवेट से लड़का 90 दिन के रखा जा रहा था। हाँ। अब उसको 1 साल कर दिया है। अच्छा। 1 साल खटा रहा अभी, मतलब बाहर से लड़के ले रहे हैं। अब खुद हम इम्प्लाई है, हम लोग नहीं ले रहे, जो हम लोग पिताजी के पर मर गए। आप सुन रहे हैं लगातार बकझक बढ़ रही है। हालांकि अभी जो औरतें भी लगातार बात हो रही है, मेन गेट को लॉक कर दिया गया है। हम लोगों ने खुद देखा, ये अंदर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्होंने गेट को लॉक किया है। अभी यहाँ 2-3 पुलिसकर्मी भी थे जो फिलहाल मुझे यहाँ नहीं दिख रहे, वो इस तरफ आ गए हैं शायद। और अभी देखिए यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप बोल रही थी झमाड़ा MD चूड़ी पहन। हाँ, चूड़ी इसलिए पहन लो क्योंकि वो सिर्फ लेडीज से बात करते हैं। अच्छा। और जेंट्स से बात नहीं करते हैं। तो आप लोगों से बात हुई किसी की? हम लोग से हुआ था तो वार्ता किए थे कि हमको टाइम दो, 3 मंथ का टाइम मांगे थे, अभी साल भर हो गया है। बताइए हम लोग कहाँ जाए, हम लोग बच्चा लोग को लेकर के आप लोग कहाँ जाए? इस वक्त आप देख रहे हैं पहले ये गेट खोला गया था, लेकिन अभी फिर इसको बंद करवा दिया गया। सर ये गेट किसने बंद करवाया? आप लोगों ने? अपने तो साइड वाला है, आसपास करने वाला इन लोग करवा रहे हैं बार बार। चलिए, इस गेट को भी बंद करवा दिया गया है। सामने वाला जो गेट है वो हमने दिखाया कि वो बंद हो चुका है। हालांकि इस प्रदर्शन में बहुत सारी
महिलाएं भी शामिल हैं, वो महिलाएं अभी गेट को ब्लॉक कर चुकी हैं। लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 351वां दिन है ये आंदोलन का, विरोध प्रदर्शन का, अनिश्चितकालीन धरने पर ये लगातार बैठे हुए हैं बाहर, और ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, अंतिम रास्ता जो बचा था उसे भी बंद कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी जो है इस वक्त नगर निगम बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठ गए हैं। इस वक्त आपने देखा एक महिला से हमारी बात हो रही थी, वो महिला बात करते करते रो गई। ये दर्द है, लगातार एक साल का संघर्ष है, परंतु इनका कहना है कि अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। अंदर से किया गया है, लेकिन महिलाएं अब तुल गई हैं कि ना, अब जब कोई अंदर जा नहीं सकता तो उन्हें बाहर भी नहीं आने देंगे जो इस वक्त अंदर हैं। आइए कुछ महिलाओं से और बात करते हैं। मैम आप रोने लग गए। हाँ मैम, इसलिए रोने लगे, मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा है, यहाँ पर आता है, घर का गार्जियन है, यहीं पर रहते हैं, रात भर हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, वो भी सरकार नहीं दे रही है, ये एमडी नहीं दे रहे हैं, छीन नहीं ले रहे हैं अपना हक। आप माने बात मानिए, अगर पतिया नहीं है तो कमा के खिलाएगा कौन बाल बच्चा को, ये पहले बताइए, कौन खिलाएगा? हम लोग दूसरा ही जूठा धोते हैं तब बाल बच्चा को पोसते हैं। एमडी को शर्म नहीं लगता है कि आदमी, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं ना, छीन नहीं ले रहे हैं, स्पेशली नहीं ना मांग रहे हैं, हम लोग नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एमडी का एक दिन नहीं भेंट हुआ है, साल भर से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन एक दिन एमडी नहीं आया, ना हुलकी मारने आया, ना भेंट किया। आप सुन रहे हैं लगातार महिलाएं बात कर रही हैं, उनकी आंखें डबडबा जा रही हैं, ये दुख है, दर्द है, इनके परिजन नहीं रहे, और उसके बाद अनुकंपा पे जो नौकरी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है, किसी तरीके से ही अपना घर चला रहे हैं। इस वक्त मैं चाहूंगी मल्लिका आपको दिखाएं, इसमें बच्चे भी शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में, बच्चियां भी बैठी हुई हैं और छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी हैं यहाँ पर।